बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एसिड होता है उस एसिड में ओ से जुड़े जो एच होते हैं वही रिमूव होते हैं। उस हिसाब से इसकी बेसिसिटी हमने 2 कही थी, इसकी 3 कही थी। तो उसको अगर इन दोनों को कंपेयर करने से जो हमको लॉजिक जो कंक्लूजन निकल रहा है कि ओ से जुड़ा एच जो रहता है वो रिप्लेसेबल रहता है, उसी से बेसिसिटी डिसाइड होती है। उस हिसाब से आर्थोबोरिक एसिड इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए क्योंकि इसमें ओ से जुड़े हुए एच 3 है और इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। ऐसा आखिर क्यों है, समझिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे पी और ओ मिलकर बॉन्ड बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन पी का और एक इलेक्ट्रॉन ओ का, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर फास्फोरस यहाँ 5 बॉन्ड्स बना लिए हैं तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ फास्फोरस का। पर यहाँ पर बोरान में देखेंगे आप, इसके पास 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी नहीं है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनको चूंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इनके रिप्लेसेबल एच निकल जाएंगे, तो इसमें 2 एच निकलेंगे, इसमें 3, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 3। लेकिन जब हम H3BO3 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो पहले ही अपना पेट भरने का काम करेगा, मतलब पहले ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। उसके लिए जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर के OH को ये ले लेगा, वाटर के OH को लेने से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअल में जो बना हुआ है ये कैसे हो जाएगा, BOH को जो बना है इसी में समझ लीजिए कि इसमें OH आके ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, ये इधर की चीज देखिए, इसमें आप देखिए कि इसमें -1 चार्ज लगे, तो यहां इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बोरान जो है 4 बॉन्ड बना लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर इसको हम लोग क्या डाल रहे थे, H2O। H2O का मतलब एक्चुअल में क्या है, H+ और OH माइनस। चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से जुड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से जुड़ेगा, रिच से जुड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच OH से जुड़ गया। इसके पास पहले 3 OH थे, 4 OH हो गया, चूंकि ये न्यूट्रल था, 1 OH माइनस आके जुड़ा, इसलिए इसमें माइनस चार्ज आ गया और H+ रिलीज हो गया, तो ये जो H+ है वो फ्री हो गया। इसी चीज को मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा है। तो जब इस एसिड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H+ रिलीज करने की जगह OH- को ले लेता वाटर में से और एक H+ रिलीज करता। ये H+ इसका नहीं है, ये एक्चुअल में क्या हुआ कि वाटर में जो H+ और OH था उसमें से OH लेने के बाद H+ बचा, तो ये H+ एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल का H+ है। तो ये मोनोबेसिक तो है, एक H+ प्रोड्यूस किया, मोनोबेसिक है, पर वो H+ इसका नहीं है, इसलिए इसको नॉन प्रोटिक एसिड बोलेंगे। ऐसे एसिड जो खुद H+ देते हैं वो प्रोटिक एसिड बोलते हैं। जैसे ये H+ देता है, ये 2 H+ दे रहा है 3, तो ये H+ देने वाले एसिड है, तो इनको हम लोग बोलेंगे प्रोटिक एसिड। क्यों बोल रहे हैं, जो प्रोटॉन दे रहे हैं, H+ मतलब प्रोटॉन। अब H+ को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया उसके पास, तो केवल क्या बचा, प्रोटॉन बचा, इसलिए H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। तो ऐसा एसिड जो H+ डोनेट करता है उसको प्रोटिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों H+ डोनेट कर रहे हैं इसलिए इनको प्रोटिक एसिड बोलेंगे, ये H+ डोनेट नहीं किया है इसलिए नॉन प्रोटिक एसिड है। ये H+ बन जरूर रहा है, वो किसका है, वाटर का, वो इसका नहीं है। तो चूंकि ये H+ नहीं दे रहा है इसलिए नॉन प्रोटिक एसिड, पर एक H+ प्रोसेस में बन रहा है इसलिए मोनोबेसिक एसिड। और इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्यों है, ये आखिर यहां OH- को क्यों लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो OH- आके इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, मतलब इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के कारण है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लुईस एसिड कहलाता है। तो जो H3BO3 है वो नॉन प्रोटिक है, क्योंकि खुद H+ नहीं दे रहा है, मोनोबेसिक है और लुईस एसिड है, नॉन प्रोटिक मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड H3BO3 है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें ओ से जुड़े H3 हैं और उसमें से एक भी एच रिप्लेसेबल एच नहीं है। आगे की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।